Hey guys, myself Raz and you are watching Raz Life. Guys, आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा जुलाई के इवेंट के बारे में एंड लेजेंडरी पोकेमोन 5-star raid डेफिनेटली एंड और भी बहुत सारे गुड स्टफ है। एक सवाल का आप लोगों को जवाब भी मिलने वाला है जो कि आप मुझे बहुत स्ट्रीम पे पूछ रहे थे, क्या हमको गोफेस्ट में रैंक 20 वाले ट्रेनर्स को जो कि GBL रीच कर चुके हैं एंड खेल रहे हैं, क्या उनको लेजेंडरी पोकेमोन गोफेस्ट वाले कैच करने को मिलेंगे या नहीं, तो इस सवाल का भी जवाब मिलेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते गाइस। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा जो ब्रेक थ्रू रिसर्च में चेंज हुआ है। ओके, आपको जो ब्रेक थ्रू रिसर्च में मिलने वाला है गाइस जुलाई 1 to August 1 जो रहने वाला है पोकेमोन वो है रफलेट। अगर आप लकी रहे तो साइनी भी मिल सकता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस का भी बात किया गया है, आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे आपको फ्री रिमोट रेड पास जैसे कि इस मंथ हमको मिल रहे थे ब्रेक थ्रू रिसर्च कंप्लीट करने पे, वैसे ही आपको जुलाई में भी मिलेंगे। ओके, अभी रेड का बात किया जाए तो डिफेंस डिओक्सी मिथिकल पोकेमोन रेड में रहने वाला है 1 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक। अब आप लोग ये बोलेंगे 1 जुलाई को तो विडोफ आ रहा है 5-star raid में, तो गाइस विडोफ जो 5-star raid में रहेगा वो 10 AM से 8 PM तक रहेगा। ओके, 10 AM टू 8 PM, आफ्टर 8 PM जो है मिथिकल पोकेमोन डिफेंस डिओक्सी वेल अपेयर हो जाएगा। ओके, आफ्टर 8 PM रेड में। अभी यहाँ पे गाइज नेक्स्ट का बात करूँ, वेल यहाँ पे एक और मैं मेंशन कर देना चाहूँगा, डिफेंस डिओक्सी साइनी में अवेलेबल नहीं रहेगा, तो ये PvP वगैरह के लिए आप चाहें तो रख सकते हैं। ओके, लेजेंडरी पोकेमोन म्यूटो के बारे में यहाँ पे बात किया जाए, यस म्यूटो गाइज म्यूटो आ रहा है 16 जुलाई टू 23 जुलाई तक रहेगा रेड में, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर साइनी म्यूटो क्योंकि साइनी भी अवेलेबल है इसका वेल एंड मिलेगा ज़रूर आपको कैच करने के लिए भी। एंड यही पोकेमोन गाइज आपको गोफेस्ट में भी अगर आप रैंक 20 पे हैं GBL में तो आपको कैच करने को मिलेगा, बाकी कोई भी नहीं आने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपको म्यूटो रहेगा। तो यस म्यूटो है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर दूसरा रहता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता, लाइक लेजेंडरी ट्रियो डॉग रहते तो प्रॉब्लम रहता, या फिर लेजेंडरी ट्रियो वेल एजल्फ दे देते यार, ये भी सही रहता ना रीजनल वाई, लेकिन चलो उसको करता कैप करते हैं। वेल हाँ, मुझे साइनी वीडियो बताना गाइज आपने कितने साइनी वीडियो अभी तक कैच कर लिए हैं। और 23 के बाद के रेड के लिए हमें बोला गया वेट करो, थोड़ा सा सब्र रखो, हम बताएंगे। ओके, मेगा ऑनड्यूम गाइज आएगा रेड में अभी 1 जुलाई टू 16 जुलाई तक रहेगा, मेगा गैंगार 16 जुलाई टू 23 जुलाई तक रहेंगे, बट यहाँ पे मेगा चार्जर्ड एक्स जो कि सबसे बेस्ट होने वाला है 23 जुलाई टू 6 अगस्त तक रहेगा, जो कि स्पेशली मैं भी प्रोवाइड करूँगा रेड, आगे देखते हैं। तो वेडनेसडे गाइज वेल रेड आवर में डिफेंस डिओक्सी 7 जुलाई एंड 14 जुलाई को आपको मिलेंगे, 21 जुलाई को म्यूटो रहेगा रेड आवर में एंड 28 का तो अभी अनाउंस ही नहीं हुआ है, तो जब अनाउंस होगा तो बता देंगे एंड डेफिनेटली करा भी देंगे। तो यहाँ पे गाइज अभी स्पॉटलाइट आवर का बात किया जाए तो यहाँ पे 6 जुलाई को बल्बासोर रहेगा, ट्वाइस कैच XP मिलने वाले हैं, 13 जुलाई को चार्मेंडो ट्वाइस कैंडी कैच करने पे, स्क्वर्टल 20 जुलाई को यहाँ पे आपको ट्वाइस कैंडी मिलेगा ट्रांसफर करने पे, एंड नाटू जुलाई 27 इवॉल्व करने पे ट्वाइस XP। यहाँ पे जुलाई के कम्युनिटी डे का बात किया जा रहा है तो टीपिक है सभी को पता है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टीपिक, बस 3 तारीख को यार। ओके, अभी यहाँ पे गाइस बता दें आप लोगों को कि 6 जुलाई से 15 जुलाई तक 6 जुलाई टू 15 जुलाई तक हमारा जो पोकेमोन गो का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन रहेगा वो चलते रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें में हमको देखने को मिलेंगी,
हो सकता है कुछ टीम रिसर्च मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो जैसे इसके बारे में डिटेल आएंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे गो बैटल नाइट गाइज 11 जुलाई को वेल 11 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा, 6 PM टू 12 PM तक रहेगा। यहाँ पे आपको स्टारडस्ट जो मिलेंगे 3 times आपको स्टारडस्ट एक्स्ट्रा मिलने वाला है। विनिंग बैटल पे 100 बैटल आप कर सकते हैं। 2x स्टारडस्ट बोनस जो है स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 28 जुलाई तक रहेगा। ओके, अभी ये गाइज यहाँ पे पोकेमोन गो फेस्ट के बारे में बोला गया है, यही कि टिकट अभी तक नहीं लिया तो ले लीजिए, क्योंकि इससे बड़ा गो फेस्ट अभी तक हुआ नहीं है। क्योंकि यस गाइज, सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमोन आपको मिल रहे हैं। वेल, टिकट लेने का लें या ना लें बात बराबर है, क्योंकि गाइज इस वीडियो में मैं मेंशन कर देता हूँ, वेल अभी यही कर देता हूँ, लेजेंडरी पोकेमोन हर कोई कैच कर पाएगा, रेड सभी के लिए विजिबल रहेगा, हर कोई रेड कर सकता है। तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप टिकट बाय ना ही करें तो बेस्ट है। ओके, एंड क्योंकि यार देखो, टिकट बायर्स को ओनली क्या है, कुछ एक्स्ट्रा बोनस है वो एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं, ठीक है। टिकट बायर्स को सिर्फ बोनस एक्स्ट्रा में मिल रहा है, बाकी जो चीज़ें हैं, रेड सभी के लिए विजिबल है, रेड हमारे लिए भी होगा। थोड़ा सी ये कि जो साइनी का चांस होता है यहाँ पे, तो गो फेस्ट में साइनी की भी बात नहीं किया गया, तो वो इंक्रीज हो जाता था पिछले गो फेस्ट में, बट यहाँ पे वैसा कोई मेंशन नहीं है, तो उसके पीछे भी जाने का कोई चारा नहीं है। अगर साइनी अवेलेबल है तो फिर डेफिनेटली आप ले सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली विजिबल रेट रहेगा ही, तो मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप टिकट बाय करें, बाकी आपकी मर्जी। तो आज के इस वीडियो में बस इतने गाइस, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एंड यस, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस, कर लीजिए ना, बिकॉज कनेक्टिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मिलते हैं, बाय बाय गाइस, सी यू सून।